जो पहाड़ दिख रहे हैं हमको, ये जुक्सपिट्स है। ये है व्लॉग 3 2022 का और वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन गर्ल इन यूरोप। ये जो ट्रैवल सीरीज है ये सिर्फ एक वीकेंड ट्रिप था और किसी रीजन की वजह से हमने यहाँ पर ट्रैवल किया था अक्टूबर मंथ में, पर ये जगह जो है वो टर्न आउट हुई इतनी सुंदर कि हमें लगा कि हमें आप लोगों को ये जगह बताना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और इस वीडियो में बहुत सुंदर सुंदर जगह जो है वो हम लोग आपको दिखाएंगे। हमने ये जो ट्रिप था वो मेटजिंगन से कॉफबॉयरेन जो है किया था। कॉफबॉयरेन में मेरी थी जॉइनिंग, तो ये एक ट्रैवल ट्रिप नहीं था, ये एक वर्क ट्रिप था। लेकिन बीच में वीकेंड पड़ गया तो मैंने जो है उस टाइम का जो है वो पूरा यूज़ किया और मैंने सोचा ये प्लेस जो है वो आपको दिखाई जाए। एक एयरबीएनबी लिया था। एयरबीएनबी जो था वो एक विलेज में था और विलेज में भी बहुत ही कम घर थे, तो ये एक अनटच जर्मनी वाला फील दे रहा था। विलेज इतनी हेवनली विलेज थी कि मैं आपको क्या बताऊं। जगह का नाम था रोडर रात्सशॉफन। इस जगह हम लोग एक दिन रुके थे और यहाँ पर हमने बहुत ही डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि ये एक बहुत ही पीसफुल विलेज थी, बहुत कम यहाँ पर घर थे और सामने जो थे वो पहाड़ी पहाड़ थे, तो एक बहुत ही डिफरेंट फील हुआ। ऐसा फील हुआ कि वाओ यार कौन सी जगह पर आ गए हैं हम रहने। हमने यहाँ के जो फार्म्स थे, विलेजेस के फार्म्स, वो भी एक्सपीरियंस करे और हमने जो अपना दूसरा चैनल है उस पर सारा कुछ कवर किया है। तो अगर आपको ये विलेज देखनी है तो आप उस चैनल पर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग कॉफबॉयरेन में घूम रहे हैं और ये देखो कितनी अच्छी स्ट्रीट्स हैं, ये मज़ेदार, बहुत अच्छा टाउन लग रहा है देखो। और हम लोग हैं इंडियन खाने की तलाश में भटक रहे हैं, पर दीपक यहाँ अच्छे रेस्टोरेंट दिख रहे हैं, डोनर शॉप और ये सब, कितना अच्छा लग रहा है। लवली लवली लवली, बल्ला बल्ला बल्ला। कॉफबॉयरेन जो है वो एक हिस्टोरिकल टाउन है, ओल्ड टाउन। जब आप यहाँ की स्ट्रीट पर शॉपिंग करने जाएंगे या आप वहाँ पर घूमेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ओल्ड टाउन जैसा फील आएगा। यहाँ पर यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 46,000 है, पर फिर भी यहाँ पर आपको एक लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न फील आएगा। और क्योंकि ये ऑलगॉय में है तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको पहाड़ भी आस पास दिखते ही रहेंगे। मौसम अच्छा है तो लोग लगता है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है।
जैसा तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये क्या दीवान, दीवान देखना, दीवान पर ये यूरोपियन ही है पर इसका नाम है दीवान। और हम लोग घूम घूम के इतने थक गए थे कि हमें भारतीय खाना खाना था और हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए और उसके बाद फिर हम निकल गए दूसरी जगह, दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। आयन अर्थ, ब्यूटी ऑफ अर्थ, हाँ एक्चुअली लग रहा है ना स्विट्जरलैंड में आ गए पर हम जर्मनी में ही आ गए। और क्योंकि हमने एक डिफरेंट ही रूट लिया था तो ऑफ कोर्स हम लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस दिखी ड्राइव करते समय। और हम लोग यही बोल रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे कि जो बायन जो कि स्टेट है यहाँ जर्मनी का, उसकी ब्यूटी जो है वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। तो हम लोग वही पूरे रास्ते जो है वो बात करते जा रहे थे। और हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो एक लेक है जो कि भी बहुत सुंदर है और कुछ 37 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम कॉफबॉयरेन। ये लेक जो है वो शायद आप लोगों ने देखा होगा, आई डोंट नो, पर कभी ना कभी नाम तो ज़रूर सुना होगा। इसका नाम है फॉर्गनजे और ये काफ़ी बड़ा लेक है। सबसे ज़्यादा मैं इसे जानती हूँ कि यहाँ पर जो एक बहुत ही डिज्नी कैसल है वहाँ से ये जो लेक है वो दिखता है। तो ये जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कपड़े धोता हूँ क्योंकि वो भी यहीं कहीं घूम रहा है रिन साबुन से। अरे वो भाई साहब इंडियन, अरे ये कपड़े निचड़वा देना जरा इसको। सलमान खान से बहुत छेड़ा हेलो हेलो ओवर एंड आउट, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है जनता को? हाँ दे रही है सबको, रोड के माइक है हमारे। आ जाओ आ जाओ, मैं हूँ तो वहाँ सलमान खान दिख गया कपड़े धोता हुआ।